हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में एटीट्यूड की क्या इम्पोर्टेंस है। आपकी ज़िंदगी कैसी होगी ये आपके हाथ में सिर्फ 10% है, बाकी 90% आप इसे किस तरह जीते हैं इस पर निर्भर करता है। थ्री इडियट मूवी में कैरेक्टर होता है राजू, जो इंजीनियरिंग में कमज़ोर और जॉब ना मिलने के डर में रहने वाला एक स्टूडेंट होता है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि राजू और फरहान इंजीनियरिंग रैंकिंग में हमेशा सबसे लास्ट आते हैं और उनका दोस्त रैंचो रणछोड़ दास छांछड़ फर्स्ट रैंक पर रहता है। जब राजू कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसे जॉब ना मिल पाने का बहुत डर रहता है। वह अपने हाथ में बहुत सारी अंगूठियां और ना जाने कितनी तरह से भगवान को मनाने की कोशिश करता रहता है। मूवी के सेकंड हाफ में राजू सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। मूवी के आखिर में जब राजू इंटरव्यू देने जाता है तो राजू से पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आपको क्या हुआ, आप इस तरह से चेयर पे क्यों आ रहे हो, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। राजू का जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वालों के होश उड़ जाते हैं। राजू कहता है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और रीज़न पूछा गया तो राजू ने साफ साफ यह बताया कि मुझे कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया था क्योंकि मैंने डायरेक्टर के घर के बाहर दरवाजे पर टॉयलेट कर दिया था। अगर आप राजू की जगह पर होते तो आप में इतनी हिम्मत होती कि सच बोल देते। जब इंटरव्यू लेने वाले ने यह सुना तो वे एकदम शॉक हो गए और उन्होंने राजू को बोल दिया कि सॉरी, हमें इतना फ्रैंक बिहेवियर नहीं चाहिए, क्लाइंट को हैंडल करने के लिए यह ठीक नहीं होगा और हमारी कंपनी के लिए भी यह ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप हमें भरोसा दिलाते हो कि आप इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो तो हम आपको जॉब दे देंगे। लेकिन राजू जवाब देता है, सर मैंने अपनी दोनों टांगें तुड़वाकर बहुत मुश्किल से यह एटीट्यूड पाया है और मैं इसे नहीं बदल सकता, आप अपनी जॉब रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। और राजू मुड़कर जाने की ही कोशिश करता है तभी इंटरव्यू लेने वाले राजू को रोकते हैं और बोलते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत इंटरव्यू लिए हैं, जॉब पाने के चक्कर में लोग हमारी कही गई बातों में हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं, तुम कहाँ से आए हो। और फिर राजू से पूछा जाता है कि सैलरी कितनी लोगे और राजू बहुत खुश हो जाता है। ऐसे में जॉब ना मिल पाने के डर में जी रहे राजू को जॉब मिल जाती है, मतलब राजू के मार्क्स कम होते हुए भी राजू को जॉब मिल गई क्योंकि उसका एक एटीट्यूड था, एक मना करने की हिम्मत थी, सच बोलने का पॉजिटिव एटीट्यूड था जो हर किसी में नहीं होता। डिग्री, मार्क्स, कॉलेज कहाँ से किया, इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका एटीट्यूड, आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आप में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है, आप किस तरह से सवाल का जवाब देते हो, ये सभी इम्पोर्टेंट होता है अपने सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए। आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आप कैसे इंसान हैं। और भारत में इतने सारे अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी होने का मुख्य कारण यही है कि लोगों के पास डिग्री है, मार्क्स है, लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उनके पास एटीट्यूड नहीं है, उन्हें अपने आप को दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस तक करना नहीं आता। अगर आपके पास एटीट्यूड है तो आप जॉब तो क्या, अपना भी एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैल्यू ऑफ एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड के बारे में बहुत ही अच्छा कहा गया है कि लोग पहले आप जो बेच रहे हैं उसको नहीं खरीदते बल्कि आपके एटीट्यूड को खरीदते हैं, और फिर उनको आपका एटीट्यूड पसंद आ जाए तो आप क्या बेच रहे हैं
वो मैटर नहीं करता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में इसके बारे में पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।